बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल आर यू फाइन। आई एम योर उर्दू टीचर मिस कैसरा फ्रॉम बहरिया मॉडल स्कूल PNED सेकेंडरी विंग। तलबा, आज की वीडियो में हम बूढ़ी काकी के बारे में पढ़ेंगे। ये सबक हमारी दरसी किताब के हिस्सा अफसाना से मुंतखब किया गया है। अब सबसे पहले जो है वो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना, दरअसल अफसाने से मुराद वो मुख्तसर कहानी है जिसमें एक मुख्तसर सा किस्सा बयान किया जाता है और इसमें ज़िंदगी के एक पहलू को बेनकाब किया जाता है और ज़िंदगी के बाकी पहलू यानी कुछ हिस्से ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है वो पोशीदा रखा जाता है। अब बूढ़ी काकी के जो है वो मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगी। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए और 1932 में इनका इंतकाल हुआ, इन्होंने वफात पाई। आपका असल नाम धनपत राय था। ज़िला बनारस के एक गांव में पैदा हुए थे। बनारस हिंदुस्तान का एक शहर है, वहाँ के एक गांव में मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था और वो डाकखाने में एक क्लर्क थे। प्रेमचंद ने एक मौलवी साहब से फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की जबकि अंग्रेज़ी तालीम बनारस में हासिल की। तालीम से फारिग होकर एक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद हो गए। 1908 में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 से हुआ। आपने मुंशी दया नारायण नंगम के रिसाले ज़माना में मज़ामीन लिखे। सबसे पहले जो है वो इन्होंने क्या किया था, मज़ामीन लिखने शुरू किए थे। किसके अंदर? रिसाले के अंदर। फिर अफसाना निगारी और नावल निगारी की तरफ तवज्जो दी। प्रेमचंद ने गरीबों के हालातों वाक़ियात को अपने अफसानों और नावलों का मौजू बनाया। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। इनकी चंद तसानीफ़ जो है वो ये हैं, सोज़े वतन, वारदात, बेवा, बाजार हुस्न, ज़ादे राह, निर्मला, मैदान अमल, प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी और चौगाने हस्ती, ये इनकी जो है वो मशहूर तसानीफ़ात के नाम हैं। उन्होंने कुल जो है वो 29 नावल लिखे। तलबा, इस सबक को पढ़ने के हमारे कुछ मकासद हैं। अब वो क्या मकासद हैं कि हमें जो है वो इस सबक को पढ़ने से क्या क्या हासिल होगा, हम इस काबिल हो जाएंगे कि मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम में फ़र्क कर सकेंगे। मुबाहिसों और मुज़ाकरों में मौजू के हक या मुखालफत में हिस्सा ले सकेंगे, यानी जो बहस मुबाहिसा होता है या मुज़ाकरात होते हैं उनमें हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम मुख्तलिफ़ मौजूआत के हक में या मुखालफत में दलाइल दे सकेंगे। किसी नसर पारे की फ़िक्री और फ़नी ख़ूबियों को पेश नज़र रख कर ख़ुलासा लिख सकेंगे, यानी हम किसी भी जो है वो सबक का नसर पारे का उसकी खसूसियात, उसकी जो फ़नी, उसके अंदर जो फ़न के लिहाज से खसूसियात मौजूद हैं, ख़ूबियाँ मौजूद हैं या फ़िक्री पहलू मौजूद है, उस पर हम जो है वो ख़ुलासा लिख सकेंगे। अब इसमें मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम जो है वो उसमें फ़र्क कर सकेंगे, ये हमारे सबक का एक जो है वो अहम जो है वो उसका मकासद है, मकसद है। अब इसमें जो है वो सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि मुरक्कब ताम किसे कहते हैं और मुरक्कब नाक़िस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मुरक्कब ताम से मुराद लफ्ज़ों के ऐसा मजमुआ जिसमें तमाम लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ पाया जाए, इसे मुरक्कब ताम कहते हैं।
अब इसकी मिसाल जो है वो अली बहुत ज़हीन बच्चा है, मतलब हर लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ जो है वो जुड़ रहा है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक मुकम्मल जुमला है, लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ पाया जा रहा है। अब मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब नाक़िस लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिसमें मतलब पूरे तौर पर वाज़े ना हो, यानी ना मुकम्मल जुमला हो जिसमें हमें जो है वो मतलब सही तरीके से समझ ना आ रहा हो, मुरक्कब नाक़िस कहलाता है। मसलन खाना खाया, झूठ बोला, पागल लड़की। अब ये देखें, ये ऐसे जुमले हैं जिसमें मतलब वाज़े नहीं हो रहा है कि कौन किससे क्या कहना चाह रहा है। अब मैं आपको इस अफसाने की फ़िक्री और फ़नी खूबियां जो है वो बताऊंगी। पहले सबसे पहले जो है वो बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद का वो मुख्तसर अफसाना है जिसमें सारी खूबियां मौजूद हैं और इसमें ज़िंदगी के एक अहम पहलू को उजागर किया गया है। ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। इस अफसाने का एक एक लफ्ज़ हकीकत निगारी की तर्जुमानी करता है। ये अफसाना हकीकत के बहुत करीब है, यूँ महसूस होता है कि वाकई ही हमारे इर्द गिर्द का है। इसके अलावा इस अफसाने में बहुत बड़े अवामी मसाइल की अक्कासी की गई है। मुसन्निफ़ के इस अफसाने से इंसानी रवैयों पर गहरी नज़र का अंदाज़ा होता है, यानी ये कि अफसाने में मुसन्निफ़ ने जिस तरीके से इंसानी रवैयों को बयान किया है, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि मुसन्निफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो गहराई से या बहुत नज़र से जो है वो इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। इस अफसाने में रोज़मर्रा ज़ुबान और महावरात का इस्तेमाल किया गया, यूँ महसूस होता है कि ये वाक़या हमारे मुआशरे का हिस्सा है। इसके अलावा जो है वो मुआशरे की इस्लाह भी नज़र आती है और किरदार निगारी मुख्तसर मगर जामे अंदाज में की गई है। इस सबक का ख़ुलासा ये है कि इसमें जो है वो मुसन्निफ़ ने ये बयान किया है, बुढ़ापा बचपन ही का दूसरा दौर है। इस अफसाने में एक इंतहाई बूढ़ी काकी की कहानी जो है वो बयान करते हुए मुसन्निफ़ ने ये कहा है कि वो इस कदर ज़ईफ़ुल उम्र है कि वो चल फिर नहीं सकती, वो अपने काम खुद नहीं कर सकती, माजूर है और सिर्फ़ जो है वो जिस हद तक उसके बुढ़ापे का ताल्लुक है तो वो सिर्फ़ ज़ुबान के जायके की हिस जो है वो अपने अंदर रखती है, इसके अलावा जो है वो किसी भी जो है वो काबिल नहीं है। तवील अरसे की बेवगी के बाद मतलब बेवा हो गई और 7 बेटे जो इसके जवान थे वो भी इसे छोड़कर दुनिया से चले गए थे। इसकी जो जायदाद थी वो अपने भतीजे का नाम है बुद्ध राम के नाम जो है वो कर देती है। और बुद्ध राम जो है वो जायदाद के हसूल से पहले अपनी बूढ़ी काकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, उसे जो है वो हर तरह से मतलब उसे मुख्तलिफ़ जो है वो सुनहरी ख्वाब दिखा के या सब्ज़ बाग दिखा कर वो तमाम जायदाद अपने नाम करवा लेता है। अब ये बुद्ध राम जो है वो बुनियादी तौर पर तो एक नेक आदमी था लेकिन इंतहाई कंजूस था और लालची था, पैसे खर्च करने से जो है वो कतराता था। एक दफ़ा बुद्ध राम के बेटे सुखराम की जो है वो गद्दी नशीन का जश्न उसके घर में मनाया जा रहा था। बड़ी तादाद में मेहमान थे, मर्द, ख़वातीन और बच्चे सब थे और जो कि मुख्तलिफ सरगर्मियों में जो है वो मसरूफ़ थे, मसरूफ़ अमल थे, मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे कि इसके अलावा जो है वो इस तकरीब में जो है वो मज़े के खाने भी बनाए जा रहे थे। हलवा पूड़ी की खुशबू सूंघते ही जो है वो जो बूढ़ी काकी है वो अपनी कोठरी नुमा कमरे से रींगते हुए बाहर आती है और आकर कड़ा के पास बैठ जाती है। कड़ा जो है वो कढ़ाई की मुकब्बर फॉर्म है, मुकब्बर कहा जाता है बड़ी वो चीज़ जो बड़े मायने देती हो। तो जैसे आपने अक्सर हलवाई की दुकान पे देखा होगा कि जब वो मिठाइयाँ वगैरह बना रहे होते हैं तो बहुत बड़ा सा उनके पास कड़ा होता है, तो वो कड़ा के पास जो है वो जाकर बैठ जाती है। इतने में जो बुद्ध राम है उसकी बीवी की नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ती है, वो उसे मेहमानों के सामने खूब सुनाती है और ये कहती है कि अपनी खैरियत चाहती हो तो दोबारा अपने कमरे में अपनी कोठरी में वापस चले जाओ, जब सब मेहमान चले जाएंगे तो तुम्हें खाना दे दिया जाएगा। बूढ़ी काकी जो है वो चुप करके अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि चुप के अलावा उसके पास और कोई सहारा नहीं होता। गर्ज ये कि वो बहुत ज़्यादतियाँ करते हैं, इस पर
उसे टाइम पर खाना नहीं देते हैं, लेकिन जो है वो एक वक्त ऐसा आता है कि इन्हें अपने अपने रवैये पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो ये सोचते हैं कि आज जिस पैसे पर वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये पैसा किसका दिया हुआ है? ये इसी बूढ़ी काकी का पैसा है जो वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सबक का मरकज़ी ख्याल भी जो है वो लालच व हिर्स पर मबनी है, यानी इंसान हिर्स व लालच की वजह से बाज़ औक़ात ऐसी नाइंसाफ़ियाँ करता जाता है जिनका मदावा करना मुश्किल हो जाता है। औलाद अपने बुज़ुर्गों को कमाई और अपने बुज़ुर्गों की कमाई और जो जमा पूंजी होती है हासिल करने के बाद उन्हें यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं। हमारे मुआशरे की इस बुराई और अलमिये को ही इस अफसाने का हिस्सा बनाया गया है। इस अफसाने में इसे बयान किया गया है कि ये जो है वो जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा सिर्फ और सिर्फ क्या है, मर्गे मनाजात है। शायर ने क्या खूब कहा है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मनाजात। अब वसाइले ज़िंदगी की हवस ने इंसान को मोहब्बत, हमदर्दी, मुरव्वत, रहम दिली के पाकीज़ा जज्बात से बेहिस कर दिया है। वो ज़ाहरी नामो नमूद की खातिर अपने बड़ों का लिहाज करना छोड़ देता है, हालांकि ये दौलत, इज़्ज़त, शोहरत इसे जो है वो अपने बुज़ुर्गों की बदौलत ही मिलती है। हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें और ये सोचें कि आज हम जो ऐशो इशरत में हैं और हर किस्म की परेशानी और फ़िक्र से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसके पीछे किनका हाथ है? हमारे बुज़ुर्गों का है, जिनकी मेहनत और जिनके सरमाए पर, जिनके बलबूते पर आज हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इसमें मुश्किल दो जुमले हैं जो अहम जुमले हैं आपके तशरीहात के हवाले से। इसमें पहला जुमला है, बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। दौरे सानी मतलब दूसरा दौर। अब बुढ़ापे को बचपन से इसलिए तशबीह दी जाती है कि बचपन में इंसान की जो हरकत व सकनात होती है वही बुढ़ापे में भी होती है। मुसन्निफ़ ने इस जुमले में ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई बयान की है कि इंसान का बचपन इसकी ज़िंदगी का खूबसूरत दौर हुआ करता है, क्योंकि इस दौर में इंसान हर परेशानी फ़िक्र से जो है वो आज़ाद होता है। देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में तीन अदवार आते हैं, एक बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन इंसान की ज़िंदगी का सुनहरी दौर कहलाता है क्योंकि इस दौर की चंद खासियतें होती हैं, मसलन बात बात पर नाराज़ होना, चीज़ ना मिलने पर जल्दी से रोना शुरू कर देना, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना। लेकिन जब इंसान बुढ़ापे में कदम रखता है तो इसकी हरकत व सकनात बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती हैं। इसलिए बुढ़ापे को बचपन का दूसरा दौर कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती जाती है वो बच्चों जैसी आदतों का शिकार होता जाता है। जब इंसान की उम्र इस दौर में पहुंचता है तो इसकी औलाद का फ़र्ज़ है कि जिस तरह बचपन में इसे संभाला अब वो भी इन्हें संभाले। दूसरा अहम जुमला, गरीब भूख की मारी फातिरुल अकल बुढ़िया पतलों से पुरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। फातिरुल अकल का मतलब है, इसके मायनी है पागल, और पतलों कहा जाता है बर्तनों। इस जुमले में ये बयान किया गया है कि जो बूढ़ी औरत है इस भतीजे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसकी सारी जायदाद इस भतीजे ने सब्ज बाग दिखाकर, यानी सुनहरे ख्वाब दिखाकर और उन्हें ये बता जतला के कि वो सबसे ज़्यादा सगा है अपने बूढ़ी काकी का, तो वो अपने नाम लिखवा लेता है। अब बूढ़ी काकी पेट भर के खाने को मोहताज है। इस घर में तकरीब के दौरान इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पूरियां इसे खाने को नहीं दी जाती। आधी रात को वो
इन पुतलों बर्तनों के पास जाती है जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। वो इनके पास पहुँचती है और इनसे पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाती है। ये जुमला बेकस माजूर बूढ़ी औरत की बेबसी की को जाहिर कर रहा है, जिसके वर्षा को बिल्कुल इसका ख्याल नहीं है। हमारे माशरे में आज कितने ही बेबस और मजबूर लोग होंगे जिन्हें दो वक्त का खाना भी पेट भर कर नहीं मिलता है। ये तो हमारा था बूढ़ी काकी का लबे लुबाब। आई थिंक कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।